साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं बड़ी खबर से। लखनऊ में 19 साल की लड़की निधि को उसके प्रेमी सूफियान पर चौथी मंजिल से नीचे फेंकने का मामला सामने आया है, जिसमें लड़की की मौत हो गई। इस मामले में बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, उसके मुताबिक सूफियान का परिवार निधि पर लगातार शादी का दबाव बना रहे थे। पूरा मामला दुबग्गा थाना क्षेत्र अश्विन कॉलोनी भरावन कला की बताई जा रही है। प्रेमी ने प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिसमें युवती की मौत भी हो गई है। वहीं परिवार वालों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लव जिहाद का भी मामला बताया जा रहा है। बता दें, पीड़ित पिता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ में 19 साल की लड़की निधि को उसके प्रेमी सूफियान ने चौथी साल की लड़की निधि को उसके प्रेमी सूफियान पर चौथी मंजिल से नीचे फेंकने का मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर इसमें जुड़ेंगे। सागर, प्रेमी द्वारा प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंकने का मामला सामने आया है, क्या कुछ नई अपडेट है? देखिए मयूरी, आपको बता दूं कि मामला पूरा जो है दुबग्गा थाना क्षेत्र का वसंत कॉलोनी है, वहां का है। और यहाँ पर तो बता दूं आपकी निधि नाम की लड़की है और यहाँ पे सूफियान नाम का एक लड़का है, जिसमें निधि की मौत हो जाती है, जिसमें शाम की कल घटना है। और कुल मिलाकर जो निधि और लगातार बातचीत होती रही है, इनका तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी पे आपस में दोनों का घर पड़ता है। इसमें सूफियान लगातार पिछले 1.5 सालों से पुलिस के मुताबिक, क्योंकि आज पुलिस JCP लॉ एंड ऑर्डर है, पीएस मोदिया, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तकरीबन 11 बजे, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि मीडिया के द्वारा किसी भी तरीके का कयास ना लगाया जाए कि किस वजह से मौत हुई है। लेकिन हाँ, साफ साफ स्पष्ट बात यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने लगातार दबिश दी है। पुलिस ने 5 टीमें बनाई है, 5 टीमें बनाकर लगातार जो परिवार है सूफियान का, सूफियान के परिवार वाले हैं, सूफियान है, उनके खिलाफ तहरीर दी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूँ की जो तहरीर दी गई है, जो पीड़िता की जो जिसकी मौत हुई है, निधि निधिता मौत हुई है, उसकी माँ की तहरीर पर पुलिस केवल सूफियान का ही नाम सामने आया है, ना कि उसके परिवार का नाम सामने आया है। तो मेरा कहना है कि आज धारा 302 के तहत 3:05 होता है परिवर्तन का जो मामला होता है, उसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस लगातार सब इस दे रही है, 5 टीम लगा चुकी है। और पुलिस जहां तक ही लगता है कि सूफिया के अनुसार बहुत जल्द ही पुलिस में सफलता मिल पाएगी। सागर, कहा जा रहा है कि सूफियान निधि को लगातार बात करने के लिए फोर्स करता था और परेशान करता था, जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन पुलिस ने तब कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, फिलहाल इस बात का कोई अपडेशन नहीं है कि पुलिस के पास उसका परिवार गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आस पास के लोग हैं तो उनके परिवार को पता था कि अगर कोई भी मामला होता है तो वो आपस में ही सुलझा लेंगे। और बीती बता दूं 2 दिन पहले ही सूफियान ने अनिधि गुप्ता को एक मोबाइल दिया था, पीछे मोबाइल दिया था ताकि वो उससे बात कर सके। और लगातार ये धर्म परिवर्तन का एंगल अगर देखा जाए तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें कोई धर्म परिवर्तन का एंगल नहीं आ रहा है, क्योंकि साफ सा बयान आया है जिसमें कोई धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बात सुर्खियों में बनी रहती, मीडिया की सुर्खियों में भी है, तमाम जगह पे सुर्खियों में चल रही है कि जो धर्म परिवर्तन के कारण जो है लड़के ने लड़की को वहां से चौथी मंजिल पर फेंका, क्योंकि इससे पहले की बात बता दूं, घटना पहले ही लड़की जो है फर्स्ट फ्लोर से गई थी, लड़का और लड़की में कुछ बहसबाजी हुई, इसके बाद लड़की डायरेक्ट जो है निधि गुप्ता है वो डायरेक्ट छत पे चली गई थी, उसके बाद सूफियान भी गया था पीछे, और सूफियान गया था उसके बाद से जो है लड़की की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एंगल बनता है कि लड़की खुदकुशी कर सकती है या फिर लड़के ने हत्या की। उसके बाद जब लड़की के परिजन छत पे पहुंचे तो अपनी लड़की को वो नीचे देखने का अवस्था हुआ, उसके बाद आनंद थाना में उसे ट्रामा सेंटर लेके जाया जाता है, उसके बाद से वहां पे डॉक्टर से मृत घोषित कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जब ये घटना हुई, इसके बाद सूफियान भी ट्रामा सेंटर पहुंचा था, लेकिन जब उसने सुना कि
लड़की की मौत हो गई तो वहां से फरार हो गया। तब से लेकर अब तक जो है उसका परिवार, उसके घर वाले वहां से फरार है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि तहरीर जो है केवल सुफियान के नाम पे दी गई है, दोषी केवल सुफियान को ठहराएगा, ना ही उसके परिवार। सागर, इस पूरे मामले पर पीड़ित के परिवार वालों का क्या कहना है, क्योंकि उनकी अब बेटी की मौत हो चुकी है, वहीं आरोपी फरार चल रहा है, क्या कुछ उनकी मांग है? देखिए, मैं भी आपको बता दूं कि पीड़ित के जो परिवार है उससे मैंने बात करी, उनका जो परिवार है काफी दुख की क्षण में है, तो उसमें बात करना भी उतना उचित नहीं होगा। कहीं ना कहीं दूसरी बात है कि पुलिस ने उन पर लगातार दबाव बना दिए, या फिर उनसे पूछताछ करी, जो सुफियान है उसकी जो पिता उसकी माता है उनको पूछताछ से थाने लाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, उसके बाद से लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और सुफियान था और सुफियान के जो परिवार वाले थे उनका लगातार दबी हुई है, उनकी कहीं ना कहीं उनका पूरे मामले को जल्द से हल कर दिया जाए। और दूसरी बात, आप पीड़ित परिवार से जो है हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका परिवार जो है बात करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि बहुत दुख की बात है। तो लगातार जो है उनसे कई मीडिया संस्थान उनसे बात करने की कोशिश लगातार कर रहे थे, लेकिन और हमने भी की साथ प्राइम टीवी की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकती। तो फिलहाल अभी तक पीड़ित परिवार की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है, तो जैसे ही आएगा वैसे ही लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। सागर, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का अभी तक क्या कुछ कहना है? देखिए, तकरीबन सुबह 11 बजे की बात है, पीयूष मोदिया है डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन का प्रयास न लगाया जाए, जब पूरी बात सामने आएगी, विवेचना सामने आएगी, क्योंकि पुलिस ये भी कहीं ना कहीं बात सामने आएगी कि जो पीड़ित पक्ष है, जो लड़की है, लड़के के पास वीडियो था और लड़का लगातार उसके दबाव बना था, लेकिन ये तो जांच का विषय है, उसमें जांच कर रही है, विवेचना करेगी, पूरी जांच को घटना को पूरी विवेचक के तौर पर विवेचना करने के बाद ही सारा मामला सामने आ पाएगा कि किस कारणों से उस लड़की की मौत हुई, या वो लड़की खुद हुई, या फिर उसने ज्ञान देखा वहां से। तो सबसे बड़ी बात है तो जांच करनी चाहिए। जी, धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।